पटाया बस स्टॉप में है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 11 बज रहे हैं, मैंने टिकट ले लिया है और टिकट जो पड़ा है वो 119 बाथ का पड़ा है और यहाँ से एकामाई जो बस टर्मिनल है, फिर वहाँ से देन जो मेरा होटल है वहाँ जाना होगा, तो 2 घंटे मैक्सिमम लगेंगे। अब मैंने यहाँ पटाया से यहाँ कैसे आया, पटाया से मैंने टुक टुक लिया जो 20 बाथ का पड़ा है, टैक्सी 200 बाथ मांगते हैं और जो मोटर बाइक है वो 100 बाथ मांगते हैं, बट 50 बाथ में पर पर्सन वो लेके आ जाते हैं, मगर मैं टुक टुक लेके 20 बाथ में यहाँ टर्मिनल में पहुँचा हूँ। बस मेरी 11:30 बजे इस जगह पर आएगी। बस मर्सिडीज़ की होती है, काफ़ी कम्फर्ट होती है और मैक्सिमम 2 घंटे लेगी बैंकॉक पहुँचाने के लिए। जो टर्मिनल है वो एकामाई है, तो ये टर्मिनल है पटाया से आप यहाँ पे आएंगे वो है नॉर्थ पटाया बस टर्मिनल। आप बोल दोगे लाके वो ड्रॉप कर देंगे आपको यहाँ पे। तो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं सारे वेटिंग में हैं, नेक्स्ट बस मेरी आने वाली है। पटाया से यहाँ आने में मेरे को हार्डली 10 मिनट लगा है, सेंटर पटाया से 10 मिनट का डिस्टेंस है यहाँ पे। आप जैसे कम्फर्ट हो वैसे आ सकते हो। टुक टुक 2 चेंज करनी होती है, एक भी आ जाती है, मैं तो 2 टुक टुक 2 चेंज किए मैंने और बाकी फिर मैंने बता दिया है। ये वहाँ पे टिकट मिलते हैं, ये टिकट है, इधर से एंट्री, वो टिकट काउंटर है। आपको कहाँ जाना है, बैंकॉक में किस जगह जाना है, उसके साथ स्टॉपेज है वो आपको डिसाइड करना है। आप वहाँ बोलोगे काउंटर पे लिखा हुआ है, फेयर भी लिखा हुआ है उधर। जब तक आप बस के लिए वेट करते हैं, खाने के लिए बहुत सारे स्नैक्स हैं, कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक कुछ भी आप ले सकते हो, यहाँ पे सारे मिल रहे हैं, रेट भी ठीक है इनके। टैक्सी वाले वहाँ से ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे थे, मैंने टैक्सी नहीं मैंने मेट्रो लिया और मेट्रो से अशोक एक अशोक मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे, अशोक मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर उतरा मैं। अशोक से वॉकिंग था 10 से 15 मिनट का, जो कि सुकुमित 23 एरिया है। अच्छा एक बात और कि यार बैंकॉक में कहाँ स्टे करें, यार मेरे हिसाब से तो बैंकॉक में सुकुमित 15, 16, 17, 18 और 23, 24, 25, ये क्या सुकुमित एक एरिया का नाम है, और सोई सुकुमित सोई सोई 8 सोई 7 इस तरह करके नाम है। तो सोई आप ये कह सकते हो जैसे हमारे इंडिया में एरिया होता है उसके बाद ब्लॉक होते हैं, तो ये ब्लॉक कह सकते हो आप, सोई 3 सोई 3 सोई 4 5। मेरा जो हॉस्टल है वो सोई 23 में है, काफ़ी पॉश इलाका है, मेट्रो बिल्कुल वॉक इन में है, 10 मिनट की दूरी पे मेट्रो है जिसका नाम है अशोक मेट्रो और सारी कनेक्टिविटी है वहाँ से, प्लस एरिया बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग मॉल है बड़े बड़े यहाँ पे, और हॉस्टल भी है यहाँ पे।
अलग होता है। जो बैकपैकर होते हैं या सोलो ट्रेवलर होते हैं वो सभी हॉस्टल पे ही प्रेफर करते हैं रुकना, क्योंकि वो डे में तो निकल जाते हैं अपना घूमने एक्सप्लोर करने, रात में सोना सोना रहता है, प्लस नए लोगों से वहाँ पे मुलाकात हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग कंट्री के होते हैं जो अपनी बातें शेयर करते हैं, आप भी उनको कुछ बताते हो इंडिया के बारे में, तो एक तरह से एक कॉन्टैक्ट हो जाता है। छूट गई जिस रोड में मुझको हॉस्टल जाना था, मैं मैप लगा रखता है, बस आ गया है। ये हॉस्टल यार जो भी मैंने बैंकॉक में लिया है और जहाँ पे भी पकवान पार्टी भी होनी है, ये मैंने दो दिन के लिए लिया है, तो आप ये देख लो। लैपटॉप लेके बैठ सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, शूज वगैरह बाहर ही उतारने होते हैं, और ये सारे पानी पेट है। इसका वॉशरूम दिखाते हैं, ये वॉशरूम है, ये नहाने के लिए शावर, इंस्टेंट गीजर, तो भाई ये हॉस्टल है, काफी बड़ा हॉस्टल है, एक ऐसे ही ये बना है, बगल में दो तीन और बने हुए हैं, पार्टी बार के लिए इन्हीं का खुद का अपना है जो बगल में है, तो ऊपर भी है सेकंड थर्ड फ्लोर।